एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिक द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग। इनमें से लिविंग थिंग कौन है? तो अर्थवर्म। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसे क्या बोलते हैं? सेल। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हॉर्स, अर्थवॉर्म, एमीबा, कॉकरोच। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अमीबा, जिसमें केवल एक ही सेल होती है। फोर्थ, ड्यूरिंग विच ऑफ दीज प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज होते, वो उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, तो इसका ये है एनर्जी। अब आएंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है, नेम एनी टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें टू नेम लिखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो फर्स्ट है अमीबा एंड पैरामीशियम। क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम। सेकेंड, विच ऑफ दीज ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट्स और एनिमल। तो इसका आंसर होगा प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। थर्ड है, नेम अ प्लांट विच शो मूवमेंट टुवर्ड्स सन। तो क्या है? सनफ्लावर। क्या होगा? सनफ्लावर। फोर्थ है, नेम वन प्लांट दैट शो सेंसिटिविटी टू टच। तो क्या है? मीमोशा पुडिका प्लांट। फिफ्थ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज लोकोमोशन, ये है बेटा 73 पेज पर, इधर यहां देखी जगह आप क्या राइट करोगे? एनिमल। एनिमल मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट का फोर्थ आंसर कंप्लीट। अब आएंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। फर्स्ट, राइट एनी फोर कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बेटा ये 69 और 70 पेज पर, तो हम देखेंगे इसके फोर कॉमन फीचर्स लिखना है। तो सिर्फ आप हेडिंग बस राइट कर देना इनकी, ये दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका, लिविंग थिंग्स आर मेड अप टू सेल, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आप राइट कर दोगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड। थर्ड, लिविंग थिंग्स ग्रो। फोर्थ आप राइट कर दोगे, लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पम। ओके, यहां तक आपका हो गया शॉर्ट का फर्स्ट आंसर कंप्लीट। ओके, व्हाट इज सेल, ये है बेटा 69 पेज पर, ये दिया है सेल। यहां से आपको राइट करना है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये शॉर्ट का सेकंड कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड, डिफाइन लाइफ स्पर्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये 70 पेज पर है, ये यहां दिया गया है। लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल, दिस सेल ग्रोज एंड मल्टीपल्स। ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये शॉर्ट का आपका सेकेंड हो गया, सॉरी, ये शॉर्ट का आपका थर्ड आंसर हो गया। नाउ फोर्थ, हाउ डू एनिमल्स लाइक फिश, कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म ब्रीथ। ये है 70 पेज पर, इसके जस्ट नीचे ही दिया है। यहां से आपको राइट करना है, शॉर्ट का फोर्थ है, एन अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, द कॉकरोच ब्रीथ थ्रू सेवरल होल्स इन इट्स बॉडी एंड फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वॉटर थ्रू देयर गिल्स। ये हो गया बेटा आपका शॉर्ट का फोर्थ आंसर कंप्लीट। नाउ फिफ्थ, डिफाइन द टर्म रिप्रोडक्शन। ये आपका
रिप्रोडक्शन 72 पेज पर है, ये है यहाँ, आपको यहां से राइट करना है। द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये आपका शॉर्ट का फिफ्थ कंप्लीट होता है। नाउ हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रीट, ये है 73 पेज पर, ये आपको यहां से राइट करना है। प्लांट्स एक्सक्रीट सिलिकर एंड स्टीम्स, ये आपको यहाँ यहाँ शॉर्ट का सेकंड कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सी वाले नंबर का है तो यहाँ शॉर्ट का सिक्स। अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये है 68 पेज पर, ये आपको लिविंग थिंग्स हेडिंग डालना, ये राइट कर देना। देन नॉन लिविंग थिंग्स हेडिंग डालोगे, फिर इसके बाद ये राइट कर देना। यहाँ लॉन्ग का फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइफ साइकिल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये है 70 पेज पर लॉन्ग का सेकंड। ये यहां से पहले आप राइट करोगे ये लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां से यहां तक, फिर सेकंड यहां से लेकर द लिटिल वन दैट से लेकर यहां दैट तक, ओके। यहां आपका लॉन्ग का सेकंड कंप्लीट होता है, ठीक। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। हाउ डू लिविंग थिंग्स ग्रो, ये है 69 पेज पर, ये यहां से आपको ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, अ स्मॉल पपी ग्रो इनटू अ डॉग, ये इधर से लेकर आपको ग्रेजुअल तक राइट करना है। देन फिर यहां से राइट करना इन प्लांट्स से लेकर इन प्लांट्स ग्रोथ इज फास्टर देन कंटिन्यू टू ग्रो एज लॉन्ग एज दे लाइव, ठीक है। ये आपको यहां से लेके ऑल लिविंग थिंग्स से लेकर ग्रेजुअल तक, फिर इन प्लांट से लेकर दे लाइफ तक आपको राइट करना है। यहाँ लॉन्ग का आपका थर्ड आंसर कंप्लीट होता है। नाउ फोर्थ, व्हाट इज रेस्पिरेशन, वेयर डज इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी, ये है 74 और 70 पेज पर। पहले आपको इसकी डेफिनेशन राइट करना है, तो ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन रिविजन एट अ ग्लैंस में दिया है, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन राइट कर लोगे। देन उसके बाद आप 70 पेज पर देखेंगे, वहां ये आपको यहां से राइट करना है। ऑल लिविंग थिंग्स, ये यहां मूव तक, फिर यहां से आना आप रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फूड, ये यहां से लेकर ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग मूव, और ये यहां से यहां तक, ठीक है। आपका यहां लॉन्ग का फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा। नाउ फिफ्थ, डू प्लांट्स रेस्पायर, हाउ वुड यू शो दिस, क्या प्लांट्स रेस्पायर करते, तो यस कर देना, फिर यहां से राइट करना, फिर आपको 71 पेज पर दिया है, फिर वहां से आप राइट करोगे, ठीक है। ये आपको थ्रू द टिनी पोर्स से लेके फोटोसिंथेसिस तक आपको राइट करना है। यहाँ लॉन्ग का फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नाउ सिक्स, लिस्ट थ्री वेज इन विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ये है 72 पेज पर, ठीक है। ये आप यहां से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट आपको ये इधर से स्टार्ट करना, सम एनिमल्स मोस्टली मैमल्स लाइक, ये इधर से लेकर ये यहां तक एग्स तक, फिर आपको प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, ये इधर से लेकर इनटू न्यू प्लांट्स तक, यहां आपका लॉन्ग का सिक्स आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब आएंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। द ऑर्गेनिज्म हैविंग मैनी सेल्ड बॉडी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, क्या बोलते हैं उसे, मल्टी सेलुलर। ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है।
प्लांट्स ब्रीथ इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटम. ओके. फोर्थ है द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस बाय लिविंग थिंग्स विच एनेबल देम टू मेंटेन देयर स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. क्या बोलते हैं उसे? रिप्रोडक्शन. द ब्लैंक इज नॉट नेसेसरी लोकोमोशन, तो मूवमेंट आएगा. सिक्स, अ ब्लैंक इज समथिंग विच प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन इन अ लिविंग बींग, तो यहाँ आएगा स्टिमुल्स. ठीक है, अब आएंगे हम मैच द कॉलम्स वर. कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड. ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस 30 meters. ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में. एकिसिया, ये गम. मीमोसा प्लांट, टच रूट्स, क्या है? मॉइस्चर. ओके, अब आएंगे हम स्टेट ट्रू और फॉल्स. थिंग्स मेड फ्रॉम वुड आर डेड थिंग्स, ठीक है, ट्रू. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर हेटरोटॉफ्स, ये क्या है? ट्रू. ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल्स, ये भी ट्रू होगा. बर्ड्स एंड इंसेक्ट डू नॉट हैव अ डिफाइंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट डू नॉट हैव अ डिफाइंड लाइफ स्पर्म, ये क्या है? ट्रू. ओनली ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, तो ये फॉल्स. सभी जो एनिमल्स रहते हैं वो भी करते हैं. लेटेक्स इज अ वेस्ट एक्सट्रीट वाया रबर प्लांट, ये होगा ट्रू. यहाँ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं. यहाँ पे आपको जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.